नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम रुपेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ IRCTC ऐप से ट्रेन का टिकट बुक कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं IRCTC के न्यू अपडेट में IRCTC ऐप से ट्रेन का टिकट बुक कैसे करते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहेगा। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस तरह का हर वीडियो को देखने के लिए बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटों को उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन से IRCTC एप्लीकेशन को ओपन करना है। दोस्तों, अभी तक आपने IRCTC में अकाउंट नहीं बनाया है, यूजर आईडी पासवर्ड नहीं बनाया है, तो इस पर मैं सेपरेट वीडियो को बना चुका हूँ, उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपको IRCTC ऐप में लॉगिन होना है। इसके लिए आपको राइट साइड कॉर्नर पे लॉगिन का बटन है, आपको लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना IRCTC का 4 नंबर का पिन डाला है। इसके नीचे आपको यहाँ पे कैप्चा जो दिख रहा है इमेज में, इस कैप्चा को यहाँ पे डाला है। दोस्तों, यदि आपको कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस पर क्लिक करके कैप्चा को रिप्लेस कर सकते हैं। IRCTC का पिन और कैप्चा डाल देने के बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आप IRCTC ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, जहाँ पर लिखा हुआ है प्लान माई जोन है, आपको प्लान माई जोन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा। फ्रेंड्स, आपको फ्रॉम में सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ से सफ़र करना चाहते हैं और आपको टू में सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, मान लीजिए कि हमें छापड़ा से सिवान का टिकट बुक करना है, तो हमने फ्रॉम में डाले हैं छापड़ा और टू में डाले हैं सिवान। इस तरह से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करना है। इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है और जिस डेट में आप टिकट बुक करना चाहते हैं आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमें 21 अप्रैल का टिकट चाहिए, तो यहाँ से हम 21 अप्रैल को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद ओके के बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर कोटा पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जनरल को सिलेक्ट करना है, जनरल ऑलरेडी सिलेक्ट है। इसके बाद आपको नीचे सर्च ट्रेंस के बटन पर क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हैं। फ्रेंड्स, उस रूट के लिए उस डेट में जितना भी ट्रेनें होगी उसका लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रेन का टाइम टेबल, ट्रेन का नंबर, सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जिस ट्रेन में जिस क्लास में टिकट बुक करना है आपको उस पर क्लिक करना है। यदि आप सेकंड सीटिंग में बुक करना चाहते हैं तो आपको 2S पे क्लिक करना है। यदि आप स्लीपर में बुक करना चाहते हैं तो आपको SL पे क्लिक करना है। यदि आप 3rd S में बुक करना चाहते हैं तो आपको 3A पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, हमें स्लीपर में टिकट बुक करना है तो जहाँ पर SL लिखा हुआ हम इस पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, इससे पहले आपको बता दूँ, हर क्लास का किराया अलग अलग होता है। आप 2S में बुक कीजिएगा तो आपको कम किराया लगेगा, स्लीपर में बुक कीजिएगा तो उससे अधिक लगेगा, 3rd S में बुक कीजिएगा तो उससे भी अधिक लगेगा। इस तरह से आपको यहाँ पे चेक कराना है कि किस क्लास का कितना किराया है। और दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि ABL लिखा हुआ है 33, तो इसका मतलब है कि इतना सीट अवेलेबल है। दोस्तों, कभी कभी यहाँ पे WL लिखा होता है, जिसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 2S पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा है WL10, इसका मतलब है कि 10 वेटिंग पहले से है। और दोस्तों, कभी कभी यहाँ पे लिखता है नॉट अवेलेबल, इसका मतलब है कि सीट अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हम स्लीपर में बुक करना है तो हमने स्लीपर पे क्लिक करते हैं, SL पे। और दोस्तों, इसके साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि किस डेट में कितना सीट अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप जिस डेट में टिकट बुक करना चाहते हैं आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे कि फ्रेंड्स, मान लीजिए कि हमें 21 अप्रैल का टिकट बुक करना है, तो हमने 21 अप्रैल पर क्लिक करते हैं, जहाँ पर लिखा 21 अप्रैल। इसके बाद आपको पैसेंजर डिटेल्स पर क्लिक करना है, IAGD के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा, ओके के बटन पर क्लिक करना है। इसको सबसे पहले आपको पैसेंजर का नाम इसमें ऐड करना है। यदि आप पैसेंजर का नाम पहले से मास्टर लिस्ट में ऐड करके रखे हैं तो आपको ऐड एग्जिस्टिंग पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको पैसेंजर का नाम सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप पैसेंजर का नाम पहले से मास्टर लिस्ट में ऐड नहीं करके रखे हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है, जहाँ पर लिखा हुआ है ऐड न्यू, और यहाँ पे आपको पैसेंजर का नाम डाला है जिनके नाम से आप टिकट बुक करना चाहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, मान लीजिए कि हम अपने नाम से टिकट बुक करना चाहते हैं तो अपना नाम यहाँ पे डाल दिया है। इसके नीचे आपको एज डाला है, इसके नीचे आपको मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको ऐड पैसेंजर पर क्लिक करना है तो पैसेंजर का नाम ऐड हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपके साथ में कोई और भी पर्सन है सफ़र करने के लिए, उनका भी आप टिकट बुक करना चाहते हैं, तो आपको इसी तरह से ऐड न्यू पर क्लिक करना है फिर से और उनका भी डिटेल आपको इसमें डाल देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपके साथ में जितने भी लोग हैं उनका आप टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करके उनका भी डिटेल आप इसमें डाल सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके साथ में कोई चाइल्ड है, बच्चा है, बच्चा के भी टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपको ऐड इन्फेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बच्चा का डिटेल डाल देना है। इसके नीचे आपको पैसेंजर का मोबाइल नंबर डालना है। इसके नीचे अदर प्रेफरेंस में आपको दोनों बॉक्स को टिक कर देना है। इसके नीचे आपको यहाँ पर पेमेंट मेथड पूछ रहा है। फ्रेंड्स, यदि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन को टिक करना है। दोस्तों, यदि आप
UPI से पेमेंट करना चाहते हैं भीम UPI से, तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन को टिक करना है। तो फ्रेंड्स हम UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो हम सेकंड वाले ऑप्शन को टिक करते हैं। दोस्तों इसके नीचे ट्रैवल इंश्योरेंस पूछ रहा है तो आपको यस के सामने टिक करना है क्योंकि आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। इसके बाद आपको रिव्यू जॉइन डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कुछ सेकंड के लिए वेट करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको स्कोर डाउनलोड के नीचे आना है। दोस्तों यहाँ पे जो बॉक्स में आपको लिखा हुआ है आपको यही चीज़ सेम टू सेम यहाँ पे टाइप करना है, यानी कि कैप्चा को फिल करना है। इसके बाद आपको प्रोसीड टू पे के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यस के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर से यहाँ भी आपको पेमेंट मेथड को सेलेक्ट करना है। यदि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, बैलेंस पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। यदि आप भीम UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है जहाँ पे लिखा है भीम UPI। तो हम भीम UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो इसको हमने टिक कर देते हैं। इसके बाद आपको नीचे पे के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा जिससे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। दोस्तों यदि आप पेटीएम वॉलेट से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पेटीएम का मोबाइल नंबर डालना है और आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों यदि आप UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे है UPI, तो आपको UPI पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको UPI आईडी डालना है जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं। फ्रेंड्स UPI आईडी को डाल देने के बाद में आपको यहाँ पे पे के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद वो कुछ सेकंड के लिए वेट करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा जिससे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे दे सकते हैं कि टाइम चल रहा है, इसी टाइमिंग के अंतर्गत आपको पेमेंट की प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स हमने फ़ोनपे का UPI आईडी डाला था तो हम पेमेंट करने के लिए फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़ोनपे एप्लीकेशन का होम पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं कि होम पेज पे ही आ चुका है इतना रुपये पे करने के लिए। तो पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको सेंड के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको अपना UPI पिन को डालना है। इसके बाद आपको राइट कलर पे क्लिक करना है तो आपको पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट की प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको IRCTC के पेज पर आना है। तो यहाँ पर आपका PNR नंबर और बर्थ सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप IRCTC ऐप से ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों ट्रेन का टिकट बुक हो जाने के बाद में ट्रेन का टिकट आपको चेक करने के लिए आपको अपनी IRCTC ऐप में लॉगिन हो जाना है। ट्रेन का टिकट आपको देखने के लिए आपको माई बुकिंग्स पे क्लिक करना है। जैसे आप माई बुकिंग्स पे क्लिक कीजिएगा तो आप IRCTC एप्लीकेशन जितने भी टिकट को आप बुक किए होंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने फिलहाल में अभी एक भी टिकट को बुक नहीं किए हैं। हमने जितने भी टिकट को बुक किए हैं इसका जर्नी कंप्लीट हो चुका है, जिससे कि हमने इस पर क्लिक करके आप सभी को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका PNR नंबर और यहाँ पे डेट और यहाँ पे बर्थ सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप IRCTC ऐप से ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप सबको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट प्रॉब्लम या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।